रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा लेखा विभाग के वार्षिक समारोह में शामिल हुए। समारोह में रक्षा मंत्री ने कई डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। इनमें पेंशन के लिए मोबाइल ऐप, अग्निवीरों के लिए वेतन प्रणाली, रक्षा लेखा रसीदें, रक्षा भुगतान प्रणाली, रक्षा नागरिक वेतन प्रणाली और रक्षा लेखा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली आदि शामिल है। राजनाथ सिंह ने प्रमुख विभाग परियोजनाओं को लागू करने में बेहतर प्रदर्शन के लिए 3 टीमों को रक्षा मंत्री पुरस्कार 2022 भी प्रदान किए। रक्षा लेखा विभाग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में हमारी सरकार का जोर मेक इन इंडिया पर है। डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए डीएडी की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि नई पहल से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। ऐसे में आपकी भूमिका और भी मायने रखती है। सबसे पहले मैं डिफेंस एकाउंट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की 275वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं रक्षा मंत्री एक्सलेंस अवार्ड के सभी विजेताओं को भी बधाई भी देता हूँ और साथ ही साथ भविष्य के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे बताया गया है कि विभिन्न पैरामीटर पर जांचने के उपरांत 3 टीमों को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए यह रक्षा मंत्री एक्सलेंस अवार्ड के लिए उन्हें चयनित किया गया है। मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों से बाकी सभी कर्मचारी भी बेहतर कार्य करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे। 275 ईयर्स, 275 साल, और इन 275 सालों में यानी स्थापना से लेकर अब तक न जाने कितनी बार इसके प्लैंक्स बदले गए होंगे। शुरुआत के मिलिट्री पे मास्टर से कमिश्नरी जनरल, फिर पे मास्टर जनरल, फिर मिलिट्री ऑडिटर जनरल, फिर मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, फिर अकाउंटेंट जनरल मिलिट्री डिपार्टमेंट, फिर मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और अब जाकर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। यानी बदलाव पर बदलाव। पर मान्यता यही है कि यह इंस्टीट्यूशन 275 साल से अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है और काम कर रहा है। साथियों, डीएडी आज अपना 275वां स्थापना दिवस मना रहा है और हमारा स्वतंत्र भारत अपना 75वां वर्ष पूरा कर रहा है। आज देश एक नए विश्वास और संकल्प के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और आज़ादी के अमृतकाल में हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बनाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति सशक्त एवं आधुनिक डिफेंस फोर्सेस के बिना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि डिफेंस फोर्सेस के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो और उनका ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन की हो। इस वर्ष रक्षा बजट के लिए 5.25 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं, जिसके लेखा जोखा रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह रक्षा लेखा विभाग की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विभाग फाइनेंशियल प्रूडेंस के सिद्धांतों को अपनाते हुए नॉट ए पेनी लेस नॉट ए पेनी मोर के मोटो के साथ रक्षा सेवाओं को उनके वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस वर्ष रक्षा मंत्री एक्सलेंस अवार्ड के लिए चयनित पीएओ भारतीय जैसा इनिशिएटिव यह लिया गया है और इसके द्वारा जवान पे एंड अलाउंसेस एवं क्लेम से संबंधित रियल टाइम डाटा प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही इसके इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम द्वारा हमारे जवान फोन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे और 48 घंटे के अंदर इसका जवाब भी वह पा सकेंगे। अभी यह व्यवस्था केवल 7 वेतन लेखा कार्यालयों में लागू हुई है, पर मैं यह आशा करता हूँ कि जल्द ही बाकी बचे वेतन लेखा कार्यालयों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। रक्षा लेखा विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि वह देश के प्रत्येक सैनिक और पूर्व सैनिक को उनके जीवन काल में और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिवारजनों को भी उत्तम सेवाएँ वह प्रदान करे। रक्षा उत्पादन में हमारी सरकार का सारा जोर मेक इन इंडिया पर है। ऐसे में विभाग की भूमिका और भी मायने रखती है कि वह द्रुत गति से निर्णय लेकर इस प्रक्रिया में और तेजी लाए, क्योंकि निर्णयों में विलंब से समय और धन
दोनों की हानि तो होती ही है, साथ ही से देश की कम्बैट रेडीनेस पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथियों, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा अनेक इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विभाग प्रबल प्रणाली पर कार्य कर रहा है, जो कि एक आईटी एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। इसी प्रणाली के अंतर्गत ई एचआरएमएस, डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम एवं दर्पण जैसे सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं, जो संबंधित कार्यों को काफ़ी आसान बनाएंगे। और यह खुशी की बात है कि भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले अग्निवीरों के वेतन भत्तों के लिए विभाग द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड वेतन लेखा कार्यालय एवं एक फुल्ली ऑटोमेटेड आईटी सिस्टम बना लिया गया है, जिसका आज औपचारिक रूप से उद्घाटन भी किया गया है। इन सभी डिजिटल पहलों को अपनाकर विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को आत्मसात किया है। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं विभाग में चल रही समस्त योजनाओं की सफलता की कामना करता हूं, और जितने भी हमारे आज रक्षा अवार्ड विनर्स हैं उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं, और पुनः भविष्य के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। डीआईडी न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।